नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आज हम आपको बताएंगे दुनिया के 15 खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में। दुनिया के 15 सबसे खतरनाक हवाई अड्डे। लंबी दूरी की यात्रा के संदर्भ में हवाई जहाज में उड़ान भरना कम समय लेने वाला और यात्रा का सबसे आरामदायक तरीका है। कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन कभी भी हवाई यात्रा थोड़ी डरावनी हो सकती है, खासकर लैंडिंग के समय। ऐसा तब होता है जब हवाई अड्डे पहाड़ी घाटियों और टेबल टॉप जैसे कठिन भूभाग पर बनाए जाते हैं। 7 अगस्त 2020 को केरल का कोझिकोड हवाई अड्डा त्रासदी उसी का एक ताजा उदाहरण है। यहाँ दुनिया भर के 15 सबसे खतरनाक हवाई अड्डे हैं, जहाँ केवल सबसे कुशल पायलट की सुरक्षित रूप से उड़ान भर सकते हैं या उतर सकते हैं। बारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कॉटलैंड। बारा लॉजरी एयरपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। बारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कॉटलैंड में फ्राइगाह मोरहा की खाड़ी में बारा द्वीप के सबसे ऊपरी सिरे पर स्थित है। एक छोटे रनवे के साथ यह विशिष्ट रूप से खतरनाक हवाई अड्डा समुद्र तट को अपने रनवे के रूप में भी उपयोग करता है और निसंदेह ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र हवाई अड्डा है। टोनकॉन्टिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंडुरास। टोनकॉन्टिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे टेनेट कॉर्नेल हर्मन एकोस्टा मेजिया एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, होंडुरास के केंद्र से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डा एक नागरिक और एक सैन्य हवाई अड्डा है। इसे खतरनाक एयरपोर्ट को मोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट शो में हिस्ट्री चैनल की सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल किया गया था। चूँकि हवाई अड्डा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए पायलट को पहाड़ों से टकराने से बचने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। रनवे भी बेहद छोटा है और इसके कारण विमान अचानक रुक जाता है। गौर चिवल एयरपोर्ट फ्रांस। फ्रांस का ये हवाई अड्डा सिर्फ 537 मीटर के साथ दुनिया के सबसे छोटे रनवे में से एक के लिए जाना जाता है। हवाई अड्डा उन लोगों के लिए है जो अल्पस में स्की करना चाहते हैं, और इसीलिए ये पहाड़ों के बीच स्थित है। इन पहाड़ों को नेविगेट करने के अलावा विमान को धीमा करने के लिए पायलटों को विमान को तेज कोणों पर भी उतारना पड़ता है। अगाटी एरोड्रोमा लक्षद्वीप। अगाटी द्वीप के दक्षिण छोर पर लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित अगाटी हवाई अड्डा है। ये लक्षद्वीप में एकमात्र अड्डा है जो 36 स्थानीय भारतीय पर्यटकों द्वीपों की सेवा करता है, जिनमें से अगाटी हवाई अड्डा नीले पानी में मौजूद भूमि की एक पट्टी है। ये पट्टी महज 4000 फीट लंबी है, जो इसे जोखिम भरा क्षेत्र बनाती है। कोंगोनहास एयरपोर्ट ब्राजील। साओ पाउलो शहर की सेवा ब्राजील में कोंगोनहास हवाई अड्डा कभी कभी साओ पाउलो हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। यह हवाई अड्डा ब्राजील का दूसरा सबसे व्यस्त अड्डा है। जो चीज हवाई अड्डे को खतरनाक बनाती है वो है फिसलन भरा रनवे, जिससे कई दुर्घटनाएं हुई हैं। हालांकि अतिरिक्त वर्षा जल एकत्र करने के लिए खांचे वाले नए रनवे बनाए जा रहे हैं। डॉन मुयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट थाईलैंड। डॉन मुयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक की सेवा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में से एक है। पहले बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता था। यह हवाई अड्डा 2 गोल्फ कोर्स के बीच स्थित है, जो इसे एक और खतरनाक हवाई अड्डा बनाता है। लुक्ला एयरपोर्ट नेपाल। सोलो खुम्बे जिले के खुम्बू में स्थित नेपाल में लुक्ला हवाई अड्डे का नाम बदलकर जनवरी 2008 में तेंजिंग हिलेरी हवाई अड्डे पर रखा गया था, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले 2 लोगों के सम्मान में। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले लोग अक्सर इस नेपाली एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। हवाई अड्डे को लगातार 20 वर्षों से दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डे के रूप में दर्ज किया गया है। हवाई अड्डा 8000 फीट यानी के 2438 मीटर की ऊंचाई पर है। लैंडिंग और टेक ऑफ स्ट्रिप्स बहुत कम है और हवाई अड्डे में बहुत कम बिजली है। वस्तुतः कोई आधुनिक हवाई यातायात नियंत्रण सुविधाएं नहीं है। लैंडिंग मुश्किल है क्योंकि पायलट को कम दृश्यता की कठोर हवाओं में पहाड़ी क्षेत्र में नेविगेट करना पड़ता है। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के पास स्थित होने के कारण सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहा जाता है। लुक्ला हवाई अड्डा निश्चित रूप से दूसरे स्थान पर है। उमेदवार
उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को अभी के अभी बेल आइकॉन दबा के सब्सक्राइब करें।